है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सरकार की उपलब्धियों का, और अगर आप लोग इस सोच से इस मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हमें जबरदस्ती ट्रोल करना है तो ट्रोल बहुत लोगों का बहुत चीजों पर हो सकता है। आप लोग इस सोच से इस मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हमें जबरदस्ती ट्रोल करना है तो ट्रोल बहुत लोगों का बहुत चीजों पर हो सकता है। अरे 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 मैडम जी गुस्सा गई, लगता है किसी पत्रकार ने सिलेबस से बाहर का सवाल पूछ लिया और दुखती रख पर हाथ रख दिया। ऐसा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सरकार की उपलब्धियों का, और अगर आप लोग इस सोच से इस मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हमें जबरदस्ती ट्रोल करना है तो ट्रोल बहुत लोगों का बहुत चीजों पर हो सकता है। मैडम ने सोचा कि लखनऊ से जो लिखकर मिला है उसी को पढ़कर निकल लेंगे और यहाँ अपना काम बन जाएगा, बस यहीं गच्चा खा गई। आप लोग इस सोच से इस मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हमें जबरदस्ती ट्रोल करना है तो ट्रोल बहुत लोगों का बहुत चीजों पर हो सकता है। सीतापुर के पत्रकारों ने जब घेरना शुरू किया और सवाल दागना शुरू किया तो उसका जवाब नहीं दे पाई, और जब जवाब नहीं दे पाई तो धमकी भरे अंदाज में कहने लगी ट्रोल मत करिए। ऐसा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सरकार की उपलब्धियों का, और अगर आप लोग इस सोच से इस मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हमें जबरदस्ती ट्रोल करना है तो ट्रोल बहुत लोगों का बहुत चीजों पर हो सकता है। टमटमाता हुआ चेहरा, आंखें लाल लाल, लगा जैसे बस चले तो पत्रकारों को कच्चा चबा ही जाए। मैडम यूपी सरकार की मंत्री हैं। रुको, तुम्हारे शिकायत जाकर सीधे योगी जी से कर देंगी, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। ऐसा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सरकार की उपलब्धियों का, और अगर आप लोग इस सोच से इस मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हमें जबरदस्ती ट्रोल करना है तो ट्रोल बहुत लोगों का बहुत चीजों पर हो सकता है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बदायूं में सरकार के 4.5 साल के ब्रांडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को। उनकी हालत भी बाकी मंत्रियों की तरह ही थी, गिनाने गए थे भाजपा के 4.5 साल का कामकाज और उल्टा शिवपाल यादव को ही बीजेपी में शामिल होने का न्योता देने लगे। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, सारे नजर आते हैं चोर। और जो जो सगे चाचा भतीजे लड़ रहे हैं वो हमारी लड़ाई तय करेंगे, पहले अपने घर की लड़ाई तो तय कर ले, अपनी मम्मी की लड़ाई तो तय कर ले जो पापा के साथ हो रही है। लक्ष्मी नारायण चौधरी खुद कितने दिनों तक बीजेपी में टिकेंगे, अगली बार उन्हें टिकट मिलेगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दूसरों को दावत दे रहे हैं। वैसे लक्ष्मी नारायण चौधरी बीजेपी को वो पवित्र गंगा बता रहे हैं जिसमें डुबकी लगाकर अगर कोई गुनहगार भी होता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि शिवपाल भी डुबकी लगाकर देख ले पवित्र हो जाएंगे। शिवपाल यादव जी को आप ऑफर दे रहे पार्टी में? भैया हमारा तो समुद्र है, इसमें भाई जो गंगा की तरह पवित्र है, जो आएगा डुबकी लगा पवित्र हो जाए। इधर गोंडा की जिम्मेदारी मिली थी सिद्धार्थनाथ सिंह को, इसी दौरान 36 दिवंगत कर्मचारियों को 10 करोड़ 80 लाख की आर्थिक मदद पहुंचाई गई। लगे हाथ 4.5 साल के कामकाज को गिनाते हुए राजनीति भी हो गई। सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल जनेऊधारी बता दिया और अखिलेश को नासमझ। राहुल गांधी ऐसे तो हिम्मत नहीं रखेंगे, मगर वो ट्विटर से बाहर निकल के इसको चैलेंज करना चाहें या मुझसे कहीं बहस करना चाहें, मैं बहस करने को तैयार हूँ। अब उनके अब्बा जान लगवा चुके हैं और सुरक्षित हैं, और आज वो देख देख कर मंदिर और माथा टेक रहे हैं, वो एक्सीडेंटली हैं, क्योंकि उन्होंने वो हैं राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू। जितने विपक्ष हैं जो आपको आज दिख रहे हैं जाते हुए, चाहे वो उसमें कोई भी हो, वो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सब एक्सीडेंटल ही हैं। अरे आम आदमी पार्टी पहुंच गई, कभी नहीं पहुंची थी अयोध्या मत्था टेकने, उसके साथ आप राहुल गांधी तो महान है उसमें, वो तो जनेऊ पहनते हैं, और फिर बचे आपके अखिलेश जी, अब उनके बारे में क्या बोलना, वो तो रोज कहते हैं कि हम हैं असली अहीर, तो हमें हम ही तो निकाह हम ही तो करते हैं कृष्ण की पूजा। मैं कृष्ण की कभी पूछा वहाँ पे मथुरा का कोई कॉरिडोर नहीं बनाया, वृंदावन को कॉरिडोर उन्होंने। यानी जिले जिले घूमकर योगी सरकार के 4.5 साल का गुणगान करने वाले मंत्रियों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। भले ही वो 4.5 साल का काम गिना रहे हों, लेकिन बेचैनी बता रही थी कि कुछ सच छिपाने की भी कोशिश की जा रही है। तलाक और तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार, तब कहाँ चले गए थे ब्राह्मण। अब आज जो जरूरत पड़ी है तो ऐसा दर्द है उनको कि इस प्रकार से वो अभी ब्राह्मण उनके पश्चिम में आने वाला नहीं है। प्रश्न ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन तब जब रहा है तब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जब खत्म हो जाता है तो कहते हैं हमारा तो खरखदवा से ठीक हो जाता, मुझे जाना पड़ा, तो ये खरखदवा से ठीक करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।